साथियों, आज का विषय आपको चौंका देने वाला है। बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो बहुत कुछ समझ लेंगे और एक बहुत बड़े षड्यंत्र को समझ पाएंगे आप। आज YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र फैलाया जा रहा है। एक बहुत बड़े षड्यंत्र की रचना की जा रही है, जो कि हमारी हिंदुज्म, हमारी भारतीय संस्कृति को बिल्कुल बदल देने की तैयारी है। ऐसी ही एक स्थिति आई थी जब ईसाई मिशनरी एक टाइम में फ्री में बुक्स बांटा करते थे, बहुत सारी बुक्स फ्री में बांटा करते थे। हमारे हिंदुजिम को, हमारे हिंदू धर्म को प्रभावित करने के लिए, हमारे संस्कारों को प्रभावित करने के लिए और एक नई मानसिकता तैयार करने के लिए। तो उस समय हनुमान लाल पोद्दार, उन्होंने पहल की और गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की, जिससे कि जो हमारे धार्मिक सत्य हैं, जो हमारे आध्यात्मिक फैक्ट हैं, वो हर व्यक्ति तक पहुंचे हैं, जिनकी प्राइस बहुत कम रखी गई, इतने की ओनली पेपर मूल्य पर, बिना किसी प्रॉफिट के गीता प्रेस ने अपनी बुक्स निकाली और बहुत दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाके बहुत स्ट्रगल करके उन बुक्स को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाया। और एक नहीं, हमारे भारतवर्ष की जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में गीता प्रेस की बुक्स मिलती हैं। तो आज मैं आपको यहां जो समझाना चाह रहा हूं वो बहुत ही चौंका देने वाला है। चौंका देने वाला इसलिए क्योंकि हम भारतीय, बुरा नहीं मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, हम भारतीय एक बहुत लंबे समय तक एक विशेष देश के लोगों के, अंग्रेजों के गुलाम रहे और वो गुलामी आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। इसका स्पष्ट उदाहरण देखने को मिल जाएगा, जो प्रोडक्ट हमारी इंडिया के हैं, जिनकी वैल्यू हम नहीं समझते, वो कितने कीमती हैं ये हम नहीं जानते। और हमारे इंडिया से बाहर लोगों ने उन पर रिसर्च की और पेटेंट लिया और इंडिया के मार्केट में उन्होंने सेल करना शुरू किया, उन प्रोडक्ट को हमारे इंडिया के मार्केट में सेल करना शुरू किया, जो चीज हमारे यहां 2 रुपए में उपलब्ध है, वही चीज हम 20 रुपए में और 50 रुपए में, क्योंकि वो विदेश से आई है, उस पे विदेशी ठप्पा लगा हुआ है, एक विदेशी मार्का लगा हुआ है, इसलिए वो हमें ज्यादा बेनिफिशियल लगती है, हमें ज्यादा लाभदायक लगती है। तो यहां मैं कहना चाहूंगा, एक विद्वान हुए डॉक्टर जोसेस मर्फी, और उन्होंने जगह जगह का दौरा किया, आध्यात्म की जिज्ञासा थी उनकी, उन्होंने कोई आध्यात्म नहीं किया, वो इंडिया भी आए और एक लंबे समय तक भारत में रहे और भारत के उच्च कोटि के योगियों से मिले, और यहां आकर उन्हें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इसके बारे में बहुत ही आश्चर्यजनक बातें जानने को मिली, और इस विषय पर उन्होंने एक बुक लिखी। आपको डॉक्टर जोसेफ मर्फी की अवचेतन मन, हमारा कॉन्शियस मन और अवचेतन मन, इस तरह की बुक्स बहुत सारी मिल जाएंगी, अलग अलग से नाम से, अलग अलग नाम से बिक जाएंगी, और उनको सोशल मीडिया पर इतना प्रचारित किया गया कि हम अपनी भारतीय संस्कृति भूल गए। जो वो अपनी बुक्स में कह रहे हैं, जो अपनी बुक्स में बता रहे हैं, हालांकि अवचेतन मन के ऊपर, कॉन्शियस माइंड के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैंने भी बोला है, बताया है, वो भी गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहां पर एक चूक हो रही है। उस चूक को अगर आप समझ जाएंगे तो मेरी बात को समझ जाएंगे और ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा लाभ
उससे उठा पाएंगे। तो जिस तरह जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ऐसे ऐसे कार्य कराए जा सकते हैं जो कि असंभव हैं, और यह बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। मैं जोसेफ मर्फी की बात का समर्थन करता हूं, लेकिन यहां आपको सिर्फ इतनी बात समझ लेनी चाहिए, जोसेफ मर्फी की बुक्स में आपको ब्रह्मांड से प्रे करने के लिए कहा जाता है। आप ब्रह्मांड से पॉजिटिव प्रे करिए, जो भी चाहते हैं ब्रह्मांड आपको देगा, और ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन यहां पर जो तरीका डॉक्टर जोसेफ मर्फी का है वो कमजोर पड़ जाता है हमारे आध्यात्मिक विज्ञान के आगे, हमारे आध्यात्मिक साइंस के आगे बहुत कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि हमारे आध्यात्म में हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी देवी देवताओं की प्रे लिखी हैं, जिन्हें हम आरती, स्तुति, ये इन सब के नाम से जानते हैं, वो सभी पूरी तरह से पॉजिटिव वे में हैं। और उनके द्वारा अगर हम उनका प्रयोग ठीक से करें तो संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो हम हासिल ना कर सकें। और अगर हम मेडिटेशन कर सकें तो हम बहुत सारी संभावनाएं कि हमारे माइंड के 95% पार्ट जो कि निष्क्रिय हैं, 5% माइंड एक्टिव हैं, वो मेडिटेशन के द्वारा पूरी तरह एक्टिव किए जा सकती है, और उनसे मन चाहे काम, बड़े बड़े आश्चर्यजनक कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन ये तो बड़े योगियों की और बड़ा लंबा प्रोसीजर है। लेकिन यहां पर हम कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, जैसे कि जोसेफ मर्फी कहते हैं, जोसेफ मर्फी कहते हैं अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दीजिए, थॉट दीजिए, लेकिन कॉन्शियस माइंड से बचा के, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तर्क करता है। लेकिन यहां वो थोड़ी सी मिस्टेक कर गए, उन्होंने कहा कि हमारे कॉन्शियस माइंड को हम रात को जब सोते हुए कॉन्शियस माइंड हमारा सो जाए, उस समय हम पॉजिटिव विचार करें तो वो हमारे फलित होते हैं और काम करते हैं। ये सच है, काम करते हैं, इस पर मैंने भी वीडियो बनाए। लेकिन आज मैंने काफी चिंतन किया, काफी गहरा विचार किया और काफी रिसर्च की, और उस काफी रिसर्च के बाद मैं आपसे कह रहा हूं ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि जोसेफ मर्फी ने बुक जो लिखी इंग्लिश में लिखी, अपने देश के लिए लिखी, जो कि आज हमारे भारत में आ गई, वहां पर देवी देवताओं को विदेशों में नहीं माना जाता है, वहां सिर्फ एक ईशु को माना जाता है। तो वहां ईशु का ऐसा कोई, उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है, देवी देवताओं का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि उनके धर्म में ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे धर्म में देवी देवताओं का समावेश है और उनसे संबंधित प्रे हैं और पूरी पूरी पॉजिटिव वे हैं, सकारात्मक रूप से हैं वो। और जब हम किसी देवी देवता की स्तुति करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड, समझ लीजिए, जो तर्क करता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, वो जब हम प्रे करते हैं सीधे डायरेक्ट ईश्वर से प्रे करते हैं, किसी देवी देवता से प्रे करते हैं, तो कॉन्शियस माइंड एक साइड हो जाता है। तो उस समय हमारे कॉन्शियस माइंड में जो भी पॉजिटिव थॉट्स जाते हैं वो पूरी तरह काम करते हैं। और यही सोचकर हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी प्रे, जितनी भी स्तुतियां बनाई, वो बहुत कुछ सोचकर ब्रह्मांडी शक्तियों के बारे में विचार करके, कि ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे अवचेतन मन के द्वारा किसी कमांड को देती हैं। क्योंकि जब हम प्रे करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक साइड हो जाता है, क्योंकि हम श्रद्धा में होते हैं और श्रद्धा में कॉन्शियस माइंड नहीं होता। हमारी जो प्रे निकलती है दिल से निकलती है, अंतरात्मा से निकलती है। और जब हम अंतरात्मा से पूरी तरह कॉन्शियस माइंड के द्वारा ईश्वर से जुड़ते हैं, यानी ब्रह्मांड से जुड़ते हैं,
तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन यहां हमें फिर वही कॉन्शियस माइंड आ जाता है। कॉन्शियस माइंड के आने का कारण है हमारे अपने देवी देवताओं में, हमारे अपने ईश्वर में पूरी श्रद्धा ना होना। अगर हम अपनी पूरी श्रद्धा के साथ कोई भी प्रे करते हैं तो उसका निश्चित रूप से हमें फल प्राप्त होता है। यही सोचकर हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लाभ के लिए स्तुतियों की, ऐसी प्रार्थनाओं की रचना की जिसका कि एक जन सामान्य लाभ उठा सके। अब इस चीज को जोसेफ मर्फी पूरी तरह भटकाए दे रहे हैं। यहां मैं भटका देने का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जोसेफ मर्फी के सिद्धांत पर हम चलते हैं तो हमारी जो श्रद्धा है वो खत्म हो जाती है। श्रद्धा का कोई रोल नहीं रहता, बस कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड रहते हैं तो वो उतना काम करते हैं, उतना सटीक नहीं करते जितना कि हम ईश्वर से पॉजिटिव वे में प्रार्थनाओं के रूप में, प्रार्थना जितनी भी हैं वो नकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव है। उसमें ईश्वर से यही कहा जाता है, हे ईश्वर आप मुझे सब देने वाले हैं, आप ही सब कुछ देते हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही मुझे सब कुछ दे रहे हैं, आप ही के कारण मैं खुश हूं, आप ही के कारण मैं खुश हूं। लेकिन हम उनका अनुपालन ना करके जानकारी का अभाव होने के कारण हम उसमें नेगेटिव भाव डाल देते हैं। नेगेटिव भाव ये होते हैं, हे ईश्वर ऐसा कर दो, हे ईश्वर वैसा कर दो। तो यहां पॉजिटिव बोलना है, ईश्वर तो आपके लिए सभी कुछ करने को तैयार है, सभी कुछ कर रहे हैं, जो सभी कुछ आपके लिए कर रहे हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि ये काम आप मेरे लिए कर दीजिए, तो आप उन पर उंगली उठा रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाता है। आप अगर पूरे भाव श्रद्धा से अपने ईश्वर से, जो भी आपके इष्ट हैं, पूरे भाव श्रद्धा के साथ, जब भाव श्रद्धा के साथ होते हैं, कॉन्शियस माइंड नहीं होता, कॉन्शियस माइंड के तर्क नहीं होते, क्योंकि एक डिवाइन होता है, देवी देवता या ईश्वर एक डिवाइन स्थिति है, वहां हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है। हमारी जो वार्ता ईश्वर से होती है, किसी देवी देवता से होती है, जो प्रे हमारी देवी देवता से होती है, वो डायरेक्ट होती है हमारे कॉन्शियस माइंड के द्वारा और वो ब्रह्मांड में पहुंचने के बाद ऐसी स्थितियां पैदा करती है जिनका कि हमें अनुकूल परिणाम मिलना ही मिलना है, हमारा वो कार्य सिद्ध होना ही होना है। आप एक बार ईश्वर पर भरोसा करिए, ईश्वर पर भरोसा करके देखिए। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, फल क्या होगा इसकी फिक्र मत करो, जो आपका बेस्ट कर्म है वो करो, फल की चिंता मत करो। जब आप फल की चिंता करते हैं तो फल मांगते भी हैं, और जब फल आप मांगते हैं तो ईश्वर पर उंगली उठाते हैं, और जब आप ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं तो ईश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपके लिए वो सभी कुछ करें जो आपके लिए चाहिए। अगर अभी आप अपने माता पिता पर उंगली उठाएं जबकि वो आपके लिए सभी कुछ कर रहे हैं तो उन्हें दुख होगा कि सभी कुछ करने के बाद भी आप उन्हें इल्जाम दे रहे हैं। तो साथियों, आप ईश्वर का आभार प्रकट करिए जो ईश्वर ने आपको दिया है, और पॉजिटिव वे में ईश्वर से बात करिए कि हे ईश्वर आप मुझे सभी कुछ दे रहे हैं, हमेशा देते आए हैं और हमेशा दे रहे हैं, मैं जो चाह रहा हूं वो सब हो रहा है, आपकी कृपा से वो सब कुछ हो रहा है। जिस दिन आपके अंदर ये भाव गहरा हो जाएगा, ईश्वर की कृपा से आपके साथ सभी कुछ हो रहा है, तो साथियों निश्चित मानिए आपका कोई कार्य अपूर्ण नहीं रह जाएगा और आप सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। और आप थोड़ा गहरे में उतर गए, यानी मेडिटेशन में उतर गए, कर्म योग में उतर गए, भक्ति योग में उतर गए, तो आपको साक्षात ईश्वर भी मिल जाएंगे।
भौतिक चीजें बहुत छोटी हैं, ईश्वर एक बहुत विराट स्वरूप है, एक बहुत बड़ी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ईश्वर के लिए मैं कुछ शब्द कहूं, तो एक ऐसी सुप्रीम पावर जो अनंत ब्रह्मांडों को है, ये भी शायद मैं कुछ कम कह रहा हूं। तो जितने भी ब्रह्मांड हम जानते हैं, जितने ब्रह्मांड हम नहीं जानते, उन सबको सिस्टमैटिक संचालित करने वाले उस ईश्वर को अगर आप भरोसा करते हैं, उसमें निष्ठा रखते हैं, आपने कभी सोचा संसार में सभी कुछ पूरी तरह व्यवस्थित किस तरह चल पा रहा है? ये सब ईश्वर की कृपा का फल है। एक छोटी सी कहानी, भगवान कृष्ण ने भीम से कहा कि कोई वार्ता चल रही थी, सभी को मैं सभी को भोजन देता हूं, कोई भूखा नहीं सोता। भीम ने इस बात को परीक्षा लेने के लिए, भगवान की परीक्षा लेने के लिए, ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए एक चींटी को एक डिब्बी में बंद कर लिया, उसे खाने पीने को कुछ नहीं दिया। 24 घंटे बाद भगवान के पास पहुंचे, भगवान आप कह रहे थे आप सभी को भोजन देते हैं, उसकी आवश्यकता की चीज आप उसे देते हैं, ये बात आज आपकी गलत हो गई। तो भगवान मुस्कुराए, बोले क्या हुआ? कल जब आपने मुझसे ये बात कही थी तो मैंने इस डिब्बी में एक चींटी बंद की थी और वो आज कल से आज तक भूखी है, मैंने उसे कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा खोलिए डिब्बी। जब भीम ने उस डिब्बी को खोला तो उसके अंदर चींटी चावल का एक दाना खा रही थी। तो साथियों, एक डिब्बी के अंदर भी ईश्वर एक छोटे से प्राणी उसका भी ख्याल रखते हैं। तो साथियों, आपका भी विशेष ख्याल रखेंगे, ईश्वर पे आस्था रखिए, अपने आध्यात्म पे आस्था रखिए, अपने मन में एक आस्था लाइए। जब आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था होगी, श्रद्धा होगी, तो आपकी श्रद्धा जो चमत्कार करेगी, ये जोसेफ मर्फी का अवचेतन और चेतन उतना गहरे असर नहीं करेगा जितना कि आपकी श्रद्धा असर करेगी। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जोसेफ मर्फी के द्वारा या विदेशी ताकतों के द्वारा, कि धीरे धीरे हमारे कल्चर में अपने कल्चर को मिक्स किया जा रहा है। हालांकि मैं इस विषय पे आगे भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कॉन्शस और सबकॉन्शस एक मामूली बात नहीं है, लेकिन उसके मायने थोड़े अलग होंगे जो कि श्रद्धा से जुड़े होंगे, कि हम श्रद्धा के द्वारा, अपनी आस्था के द्वारा हमारे कॉन्शस माइंड को कैसे अलग करें और सबकॉन्शस के द्वारा परमपिता परमात्मा से, अनंत ब्रह्मांड से कैसे जुड़े और अपनी हर इच्छा को कैसा कैसे पूरा कर पाए। तो साथियों, ये वीडियो बिल्कुल अलग है, सारे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल एक अलग बात कह रहा हूं जो कि YouTube पर कहीं नहीं कही जा रही है, और बहुत बड़ा सत्य कह रहा हूं। इस बात पर आप विचार करना और अपने कमेंटों के द्वारा मुझे बताने की कृपा करना, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जो मैं बता रहा हूं आपको, क्या आप उससे सहमत हैं? जिससे कि मुझे पता चले जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, क्या वो वास्तव में आपको सच लग रहा है? नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, इसका भी प्रश्न डालिएगा। मैं सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं, आपका भी दूंगा, पूरी तरह से ठीक से दूंगा। मैंने जोसेफ मर्फी को बहुत डीप स्टडी किया है, जिसमें कि इंडिया में आके उन्होंने हमारे भारतीय संतों से जो मौखिक रूप से जाना, उनका अपना अनुभव कुछ नहीं है, उन्होंने कोई मेडिटेशन कोई साधना नहीं की, सिर्फ हमारे संतों से कुछ बातें जानकर, जिसमें ईश्वर और श्रद्धा जैसी बात उन्होंने बिल्कुल हटा दी। उसका कारण है
कि उनके देश में श्रद्धा और देवी देवताओं की कोई जगह नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ श्रद्धा और देवी देवता, इनके द्वारा जो हमें आत्मबल मिलता है, जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं और महसूस करते हैं, अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं, एक ईश्वर का सहारा महसूस करते हैं, वो सब खो जाता है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक पढ़ने के बाद में। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। आगे आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।